हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशा मेहरा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। मैं आपके लिए जो आज वेट लूज प्रोग्राम है, ये मेरा जो मैं आपके एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ आपके लिए, वो बहुत इजी है। जब आप जिम जाते हैं 1 आवर आप पूरा स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो इतनी हार्ड एक्सरसाइज होती है कि आप नेक्स्ट डे से प्रेफर नहीं करते जाना, आप अवॉइड करते हैं जिम जाना और आप सोचते हैं कि वो ईजी एक्सरसाइजेज हो, आपको तरीका मिले ऐसी जिससे आप अपना वेट लूज़ कर सकें और आप सुंदर दिख सकें और फिट रह सकें। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रही हूँ आज, ये बहुत इजी है जिसको आप घर में इजीली कर सकते हैं। ये मैंने खुद अप्लाई करके देखा और मैं कोई जिम नहीं जाती, मैं घर पर ही एक्सरसाइज करती हूँ। जो मैं आपको बताऊँगी सेम एक्सरसाइज करके मैं अपना बहुत वेट लूज़ किया है। जो आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, ये 5 एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप डेली 5 मिनट निकाल सकते हैं अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से और आप इन एक्सरसाइजेज के थ्रू बहुत वेट लूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपना बहुत वेट लूज़ करा है 1 वीक में। आप इसी एक्सरसाइज को कर प्रॉपर वे में अगर आप करते हैं जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आप अपना 5 to 7 kg वेट लूज़ कर सकते हैं ओनली 1 वीक में। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 to 7 kg आप वेट लूज़ कर सकते हैं 1 वीक में ये 5 एक्सरसाइजेस कर। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने बिजी शेड्यूल में से 5 to 7 मिनट्स ही निकालने हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से करना है, मतलब किस प्रॉपर वे में अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे जिससे आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकेंगे और फिट रह सकेंगे। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है, इसके लिए आप ज़मीन पर एक मैट बिछा लीजिए। एक्सरसाइज मैट या कोई दरी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लेट जाइए, सीधा लेट जाइए। आप अपनी दोनों लेग्स को, लेग्स जो हैं उनको एकदम हिप, जो आपके फीट हैं बहुत आपको ब्रॉड नहीं करने, बहुत जॉइंट नहीं करने, आपको जो आपकी हिप शेप है, आपके हिप में जितना गैप्स होता है आप उतना, मतलब हिप शेप में आप अपने लेग्स को रखेंगे स्ट्रेट, उतने गैप पे रखेंगे। और साथ में आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, नेक स्ट्रेट होना चाहिए। आपको हाफ क्रंचेस करने, आप उसको एज अ नेम कुछ भी दे सकते हैं, हाफ क्रंचेस आपके लोअर एब्डोमेन में और बेली फैट आपका इससे कम होगा, एब्स आपके जो है एब्स बनने लगेंगे आपके इस एक्सरसाइज से। आपका बेली फैट जो अपर पोर्शन में होता है वो भी कम हो जाएगा, लोअर एब्डोमेन में भी आपका फ़र्क आएगा, आपके फैट में रिड्यूस हो जाएगा। पहले हेड के पीछे हैंड रख लीजिए, आप इजीली लेट जाइए और हाफ बेंड होइए, बेंड होइए। और बेंड होने के टाइम, आप जब बेंड हो रहे हैं तो अपनी ब्रीथ एक्सेल करिए और लेटते टाइम वापस बेंड नीचे फर्श की टाइम लेटते टाइम आप इनहेल करिए ब्रीथ। आप इसी तरह से अपना टाइम लिमिट थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट करें, कुछ सेकंड्स से स्टार्ट करें, 20 सेकंड्स, फिर 30 सेकंड्स, और इसको बढ़ाकर आप 1 मिनट to 5 मिनट्स में जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाए, जैसे आपको कंफर्ट हो वैसे आप, अगर आपके पेन हो रहा है लेटते टाइम, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं नेक आगे मूव नहीं, आपको बॉडी मूव नहीं करना, बॉडी में एक आपको बैक में कर्व रखना है, प्रॉपर ज़मीन से थोड़ा कर्व रखना है कि एक हैंड आपका इजीली निकल सके, इस तरह से आपको बैक में कर्व रखना है। साथ में ही अगर आपके बैक नेक में पेन हो रहा है फर्स्ट टाइम करने में, तो आप उसके नीचे अपना हैंड सपोर्ट भी दे सकते हैं, अपने हैंड्स को पीछे लेके जाइए, क्रॉस कर लीजिए अपने फिंगर्स को ज्वाइन करके, आप अपने हेड के पीछे सपोर्ट दे सकते हैं और उसके थ्रू आप फ्रंट अपनी बैक मूव कर सकते हैं। कमर आपको मूव नहीं करनी, आपको अपना हेड और अपने शोल्डर्स बेंड करने हैं, तो आपको खुद फील होगा कि आपका बेली वाली एरिया में आपका इफेक्ट आ रहा है, आपको पेन हो रहा है, उस पेन को आप धीरे धीरे फील करिए और उसको इंक्रीज़ करिए, अपना टाइम लिमिट इंक्रीज़ करिए। जैसे आपको हैबिट हो जाएगी इससे एक्सरसाइज को करने से, आपका 101% आपका बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। बट आप इसको रेगुलरली आप कंटिन्यू करिए, थोड़े थोड़े टाइम लिमिट से स्टार्ट करिए, इसको छोड़ मत दीजिए एक्सरसाइज को बीच में। आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और टाइम लिमिट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज़ हो जाएगा, बेली आपका जो होता है बहुत स्लिम होने लगेगा, आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पर। आपको इसी तरह से लेट कर ही एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। आपको लेट जाना है और आपको अपनी आर्म्स को अपनी साइड्स मूव करनी है, लेट कर आपको अपने जो फीट हैं वो हल्के बेंड रखने हैं, नीज जिस पोजीशन में आप पहले लेटे हुए थे उसी पोजीशन में आपको लेटना है। आपको अपने हैंड्स दोनों हेड के पीछे लेके जाना है और अपनी साइड्स बेंड करनी है। आपको ट्विस्ट करनी है अपनी कमर को, अब वन साइड आपको पहले ट्विस्ट करनी है, फिर आपको सेकंड साइड आपको टर्न होना है, दोनों साइड आपको टर्न होना है 1 by 1। इसका आप काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, आप इसको 10 times कर सकते हैं। टेन टाइम्स इसको आप कर सकते हैं, उसके बाद आप 20 times, 30 times इसको आप, इसका टाइमिंग आप इसका बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है और जो मैं पोजीशन आपको बता रही हूँ जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं उसी पोजीशन में आपके उसी वही पोर्शन आपका बेंड होना चाहिए। अगर आपका कहीं और इफेक्ट आ रहा है, आपको कहीं और पेन हो रहा है, तो इट मीन्स आप सही तरह से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी पोजीशन ठीक नहीं है। आपको अपनी पोजीशन ठीक रखनी है और जहाँ मैं आपको बता रही हूँ उसका इफेक्ट कमर पर आएगा, साइड पर आएगा, आपकी जो साइड कमर होती है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ हमारा फैट जमा हो जाता है आपके वहीं पर इफेक्ट आएगा।
आप उसको कम करना है तो कहीं और इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आप इसको प्रॉपर तरीके से करिए, जैसे आपको मैं बता रही हूँ, आपको वन और फिर साइड आपको सेकंड कमर मूव करना है, हैंड्स को मूवमेंट देना है आपको। आपका लोअर पोर्शन एज इट इज रहेगा ज़मीन के साथ, उसको नहीं हमें खिलाना या ट्विस्ट नहीं करना है, इधर उधर शेक नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा ज़मीन के साथ। आपको अपना शोल्डर्स और अपनी कमर पे आपका सारा स्ट्रेस आना चाहिए। आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर, ये भी आपको लेट कर ही करनी है। जैसे आप लेट जाएंगे तो आपको टेबल टॉप की तरफ अपनी लेग्स रखनी है, हाफ बेंड करनी है और हाफ लेग ऊपर रखना है। आपको अपना वेस्ट मूव नहीं करना, आपको अपने शोल्डर्स मूव, नेक आपको ऊपर स्लाइटली सा ऊपर रखना है। उसके बाद अपने हैंड्स को सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके नेक में पेन हो रहा है तो आप अपना एक हैंड अपने नेक के पीछे रख सकते हैं और एक हैंड सपोर्ट के लिए आगे रख सकते हैं नीज के पास, जिससे कि आपको आपके पोजीशन पता रहे कि आपको चेस्ट के पास लेग लेकर नहीं आना है। आपको अपने हैंड का आपको लिमिट रहेगी कि आपको इस हैंड तक ही अपनी लेग लानी है और वापस लेके जानी है। तो इससे आपको पोजीशन आपके एग्जैक्टली आपके जो है बेली पर, आपके जो इंटरनल बेली पर आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपको पेन होगा। एग्जैक्ट पोजीशन आप इसी पोजीशन में करें और उसको स्लो मोशन में करें। जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो आपके कहीं और पेन होगा और एक्सरसाइज इफेक्ट नहीं करेगी। आपको स्लो प्रोसेस में करें, जैसे कि आपका बेली फैट कम होगा, साइड्स कम होगी। ये सारी साइज जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपका बेली, साइड्स और आपके लोअर पोर्शन एब्डोमेन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो हम कपड़े पहनते हैं, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ यही लगती है जो हाईलाइट होती है, और उस पर से अपने टाइट कोई भी टाइट फिट कपड़े नहीं पहन सकते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को इसी प्रोसेस से कंटिन्यू करेंगे और इसी ठीक तरीके से करेंगे तो आपका साइड का फैट और आपका बेली फैट सब कम हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बहुत जल्दी, 1 वीक में। आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज पर, ये आपको लेट कर ही करनी है। आप इसमें अपने लेग स्ट्रेट रखिए, अपनी बॉडी स्ट्रेट रखिए और अपनी लेग्स को एकदम स्ट्रेट ऊपर लेके जाइए। ये हमें इसको आप एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज बोल सकते हैं। आपको वन लेग को क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, मतलब स्ट्रेट में और फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से आपको मूव करना है। इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके पेट पर, आपके जो बेली पर आपके आएगा और आपका उसका फैट जो है वो जल्दी जल्दी लूज हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज आपको स्लो प्रोसेस में करनी है, स्लो मोशन में करनी है, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए और आपको कहीं और बैक पेन या कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको इस लेग को ऊपर स्ट्रेट कर लेना है एंड देन इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको मूव करना है। इससे आप पहले आप वन लेग को मूव करिए एंड देन आप उसके काउंटिंग स्टार्ट करिए, वन एंड देन फिर अदर लेग। आप 10 times आप वन लेग को करिए और 10 times अदर लेग को मूव करिए। उससे आपके डायरेक्टली इफेक्ट इसका आपका जो है बेली पर आएगा, आपके स्टमक पर आएगा, पेट पर, आपका पेट का जितनी भी चर्बी है वो धीरे धीरे लूज होने लगेगी। लेकिन इससे आप अपना बैक स्ट्रेट रखिएगा और अपने जो कमर के बीच में गैप रखिएगा वन हैंड का, उससे नहीं तो आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसको ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपके बैक में पेन हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ सारी एक्सरसाइज जो आपको बता रही हूँ इसको इसी प्रोसेस से करें और ठीक प्रोसेस से करें। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम और पेन हो रहा है तो उसको आप अवॉइड करके दोबारा मेरी पोजीशन को चेक करें मैंने किस तरीके से करा है, और फिर उस तरीके से ट्राई करें। तो आप प्लीज़ इसी तरह से कंटिन्यू एक्सरसाइज करिए और अपना वेट लूज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज पर आते हैं, लास्ट एक्सरसाइज पर। जैसे आपको बता रही हूँ उस तरह से आप लेट कर ही करना है ये भी एक्सरसाइज। आप अपना जो अपने नीज़ है, अपनी लेग्स हैं, वो स्लाइटली मूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको अपनी लेग्स मूव करनी है, स्लाइटली से बेंड करके रखनी है और आपको अपना नेक फ्रंट की तरफ करना है। जैसे जो मेरी नेक की पोजीशन आप जैसा देख रहे हैं, ऐसे ही एग्जैक्ट आपको नेक पोजीशन रखना है, अपना बैक, अपना नेक आगे को रखना है, स्ट्रेट रखना है। वही कमर में जैसे आपको देख रहे हैं मुझे गैप होना चाहिए, वन हैंड गैप होना चाहिए। आपको अपने आर्म स्ट्रेट रख लेनी है, ये पोजीशन है एक्सरसाइज की, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। दोनों आर्म्स आपको अपनी लेग्स के साइड में रखनी है, स्ट्रेट रखनी है। आपका हेड जो होना चाहिए वो बिल्कुल नी के स्ट्रेट होना चाहिए। आपका जो आईज कॉन्टैक्ट है वो नी पर होना चाहिए। पोजीशन आपकी एग्जैक्ट यही है। आप इसको मूव कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, हैंड मूव करेंगे। जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपके हैंड्स के तो आप एक्सहेल करेंगे इसको। अगेन आप इसको रिपीट करिए, आप इसको 3 times करिए, 4 times करिए, अपना टाइम लिमिट बढ़ाइए। जिस तरह से आपको करके दिखा रही हूँ सेम इसी पोजीशन में आपको करना है और इसी तरह से आपको एक्सरसाइज ही कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये 5 exercise कितनी ईजी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसी ईजी एक्सरसाइज को करके मैंने अपना वेट बहुत लूज़ किया है, और आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 5 minutes निकालिए और जैसे मैंने आपको बताया ये वीडियो एज इट इज़ करिए, इसी तरीके से करिए और अपना वेट लूज़ कर सकते हैं 5 to 7 kg 1 week में। आपको बस 5 to 7 minutes ही निकालने हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा
आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ आपको ज़रूर बता देती हूँ, ये एक्सरसाइज वैसे आप किसी भी टाइमिंग में कर सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, या प्रेफर करना चाहिए कि मॉर्निंग में करें, आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है, आप सो के उठे होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो आपकी आप ज़्यादा एनर्जी से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और ज़्यादा टाइमिंग के लिए भी कर सकते हैं। और लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लें, क्योंकि आप डायरेक्टली करेंगे तो आपकी कहीं बॉडी पेन ना हो जाए, थोड़ा सा वार्म अप करें। मैंने आपको वार्म अप की भी वीडियो बना रखा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो सेम वीडियो आप यहाँ पे लिंक सेक्शन होगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो वार्म अप वाला। वार्म अप करें, उसके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू करना स्टार्ट करें। आपको इस वीडियो का कितना इफेक्ट आया और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सब लोग इसका जल्दी करके अपनी बॉडी पे इफेक्ट ला सकें और फिट रह सकें। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।